छत्तीसगढ़ के जांजगीर चंपा में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिला कलेक्टर यशवंत कुमार ने 31 मई की रात 12 बजे तक कोरोना कर्फ्यू यानी कि लॉकडाउन बढ़ा दिया है। इस लॉकडाउन में जरूरी सेवाओं पर छूट दी गई है। जांजगीर चंपा जिले में जिस प्रकार से कोरोना अपना पैर पसार रहा है उसे देखते हुए जिला मजिस्ट्रेट जसवंत कुमार ने जांजगीर चंपा जिले में लॉकडाउन 31 मई की रात 12 बजे तक के लिए कुछ शर्तों के साथ बढ़ा दिया है। आपको बताते चलें कि जांजगीर चंपा की सभी सीमाएं पूर्णतः बंद रहेंगी। अस्पताल, मेडिकल की दुकानें, सब्जी, फल व किराना दुकान सुबह 6 बजे से 2 बजे तक खुली रहेंगी। एयर कंडीशनर, कूलर, पंखे की होम डिलीवरी के माध्यम से सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक छूट रहेगी। वहीं लोक सेवा चॉइस सेंटर शाम 5 बजे तक खुलेगा, जहां जाकर लोग वैक्सीन लगवा सकते हैं। लोक सेवा केंद्र में वैक्सीन लगवाने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। वहीं सभी प्रकार के जुलूस, धार्मिक कार्यक्रम, सामाजिक कार्यक्रम, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। साथ ही रविवार को जिला पूर्णतः बंद रहेगा। ग्रामीण भारत टीवी के लिए जांजगीर चंपा से केशव सोनी की रिपोर्ट। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।